मूलाधार चक्र मेरे द्वारा नियंत्रित होता है, मैं तुम्हारे लिए उसे जागृत करता हूँ ताकि तुम जीवन संघर्ष की चिंता से उबर सको। अंततः गरुड़ स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच ही गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वाधिष्ठान चक्र को मैं नियंत्रित करता हूं गरुड़। तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर तुम्हारे इस चक्र को मैं जागृत करता हूं। अब से तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवा। प्रभु, क्या ये सत्य है? क्या गरुड़ मणिपुर चक्र के क्षेत्र तक पहुंच गया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। मैं मणिपुर चक्र को नियंत्रित करता हूं गरुड़। तुम्हारी यहां तक की साधना सफल हुई, इसलिए मैं तुम्हें आत्मविश्वास, स्पष्टता और ज्ञान का आशीर्वाद देता हूं और तुम्हारे इस चक्र को जागृत करता हूं। प्रभु, तुमने अनाहत चक्र को भी सिद्ध कर लिया है गरुड़। ये साधना के उच्च स्तरों तक पहुंचने में तुम्हारी सहायता करेगा। जब विनता माँ को गरुड़ के इस असाधारण उपलब्धि के बारे में पता चलेगा तो कितनी प्रसन्न होंगी वो।
ये क्या हो रहा है? जब वासुकी को लेके जाना था तब देवताओं और असुरों दोनों ने सहमति दी थी कि मेरे पुत्रों में भी अमृत बांटा जाएगा। कद्रु, तू फिर से वापस आ गई। मेरा उपहास उड़ाने आई है ना तू? तू मूर्खता कर दी जाए और मैं तुझ पास भी नहीं। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी हंसी। तेरी हंसी मेरे कान भेद रही है। चली जा यहां से, जाओ। दो पल के लिए, केवल दो पल के लिए अपने अभिमान को त्याग कर दे कद्रु। वो मेरी बात सुन। तू जो कर सकती थी तूने वो सब कुछ किया, किंतु फिर भी असफल रही ना। स्पष्ट है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग पर तुम चल रही थी उचित नहीं है। अभी भी समय है कद्रु, अपना मार्ग बदल दे। विनम्रता से स्वीकार कर ले कि विधि का विधान तू नहीं बदल सकती। महत्वाकांक्षाएं आवश्यक है, किंतु उसकी अति सदैव पूरी होती है। मेरी अंतरात्मा क्या संदेश दे रही है मुझे? ओम नमो भगवते पुत्र। मां, क्यों प्रभु? सखी सरस्वती ने गरुड़ को साधना के और ऊंचे स्तर तक पहुंचने से क्यों रोका? सरस्वती ज्ञान की देवी, और किसको किस समय कितने ज्ञान की आवश्यकता ये उनसे बेहतर और कौन जान सकता है? प्रणाम स्वीकार करेंगे। जानते हो गरुड़, मुझे तुम्हारी साधना को बीच में ही क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि परम ईश्वरीय सत्ता के साथ एकाकार होने के लिए जिस सर्वोच्च आध्यात्मिक यात्रा की आवश्यकता है उसके लिए तुम तैयार नहीं हो गरुड़। अपनी उस यात्रा को आरंभ करने से पहले तुम्हें मात्र ऋण चुकाना होगा। तुम्हें अपनी माँ को दासता से मुक्त कराना होगा। उसके बाद ही तुम उस महायात्रा के योग्य बनोगे। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? गरुड़ आपका वाहन बनेगा, ये तो नियति है उसकी, किंतु फिर उसकी शिक्षा में ये प्रावधान क्यों? हो ना हो, अवश्य इसमें भी गरुड़ का कल्याण निहित है। मैं समझता हूँ, मैं तो इस बात से प्रसन्न हूँ कि मेरा अनाहत अर्थात हृदय चक्र जागृत हो गया। मैं मेरी माँ को कब और कैसे मुक्त करा पाऊंगा ये मैं नहीं जानता,
पर हम तो कराऊंगा, ये अवश्य जानता हूं। और जहां तक प्रश्न आगे की यात्रा का है मां, तो मेरी मां सदैव कहती है, यदि मन भक्ति से भर जाए तो प्रभु को पाने की शक्ति अपने आप ही अर्जित की जा सकती है। प्रभु की कृपा से मैं ये योग्यता भी अर्जित अवश्य कर लूंगा। तुम अपने दोनों लक्ष्य अवश्य पूर्ण करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, आप दोनों मेरे इस जागरण की आध्यात्मिक प्रक्रिया में मेरे गुरु बने, मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अब मेरे मन की जिज्ञासा केवल आप दोनों ही शांत कर सकते हैं, इसलिए मुझे बताइए गुरुदेव, ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके लिए आप दोनों ने मुझे शिक्षा दी है? उस कार्य को समझने के लिए तुम्हें देवी कद्रू के मन को समझना होगा। गुरुदेव जाओ पूछो उनसे कि उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। जो आज्ञा गुरुदेव। अब किसी भी मूल्य पर अपनी मां को दास्ता से मुक्त करा कर रहूंगा। मां, ऐसे चिंतित नहीं देख सकता मां, बताइए क्या है आपके मन में, क्या है आपकी सबसे बड़ी इच्छा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी अंतरात्मा मुझे कोई संदेश देना चाहती थी और अभी घर में आ जाना, इसका क्या अर्थ हो सकता है? माँ को ये क्या हो गया है प्रभु? ये मैं भी सोच रही हूं, कद्रू इतनी भयभीत क्यों हो गई? यही तो मनुष्य की विडंबना है, वो सदैव चाहता है कि भगवान उसे वो दे दे जो उसके मन की सबसे बड़ी इच्छा है, पर यदि अचानक स्वयं भगवान आकर ये कह दे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तब उसे विश्वास नहीं होता, वो शक पका जाता है और ऐसी अवस्था में कुछ ऐसा मांग लेता है जो उसे नहीं मांगना चाहता। ये प्रश्न क्यों? क्या उद्देश्य थी और क्यों जानना चाहता है मेरी इच्छा? तो मैं तो बस आपकी चिंता दूर करना चाहता हूं, आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं। कुछ भी ऐसा है जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपका मन संतुष्ट हो, मुझे बताइए, आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। बताइए मां, क्या इच्छा है आपकी? खड़गी ने आक्रम जीता, वीर भोग्या वसुंधरा, मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली हो, स्वर्ग के सिंहासन पर राज करें, अजर अमर हो जाए और अमृत चाहिए मुझे। तुम
प्रभु, मां गरुड़ से ऐसी अनुचित मांग कैसे कर सकती है? देवराज इंद्र ने इतना समझाया, फिर भी कदरू समझ क्यों नहीं रहे? अपने पुत्रों को मरणासन अवस्था में देखने के बाद भी उसका मन मान क्यों नहीं रहा कि अमृत पर इनके पुत्रों का अधिकार नहीं है? प्रभु, आपने ही कदरू के मन में अमृत की इच्छा जगाई प्रभु, पर क्यों क्यों आप गरुड़ को इतने बड़े धर्म संकट में डाल रहे हैं? यदि गरुड़ को भविष्य में मेरा वाहन बनना है तो सर्वप्रथम उसे धर्म योद्धा बनना होगा। धर्म और अधर्म दोनों को समझना हो, ये गरुड़ की परीक्षा है देव। अब देखना ये कि वह किसका चुनाव करता है। अमृत चाहिए मुझे। दीदी के पुत्रों के पास संजीवनी विद्या है और अदिति दीदी के पुत्रों के पास अमृत है, तो फिर उनसे रक्षा के लिए मेरे पुत्रों के पास भी समान शक्तियां होनी चाहिए। बस एक बार उन्हें अमृत मिल जाए तो मन का भय समाप्त हो जाएगा। मुझे मृत्यु नहीं हो सकती तो है किस बात का? माँ, ये क्या मांग रही है? वही जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मुझे अमृत चाहिए गरुड़। और मुझे विश्वास है कि तू ही ये काम कर सकता है, क्योंकि देवता तुझ पर विश्वास करते हैं। ना तो तू मंदराचर पर्वत उठाता, ना मंथन होता और ना उन्हें अमृत मिलता। तू अमृत लाके दे मुझे, वो तुझे मना नहीं करेंगे। करुण, जा अमृत लाके दे मुझे। बस कीजिए मां, मैं अमृत नहीं ला सकता। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि अमृत किसे मिलेगा किसे नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल प्रभु विष्णु ही ले सकते हैं। करू सही कह रहा है दीदी, आपकी ये मांग अनुचित है। बस इतनी शीघ्र समाप्त हो गया तुम दोनों का स्वांग? स्वांग और नहीं तो क्या? जब मेरी इच्छा पूरी नहीं करनी थी तो मेरे मन में आस क्यों जगाई तूने? मैं अपनी मांग लेके तेरे पास नहीं गई थी, तू स्वयं आया था मेरे पास। स्मरण है ना तूने क्या कहा था? मां बताइए अपनी इच्छा, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। और जैसे ही मैंने अपनी इच्छा प्रकट की, मां से महारानी बन गई तेरे लिए। हर बार कोई ना कोई षड्यंत्र करता है तू गरुड़, और आज भी मेरी मां की भावनाओं के साथ खेल रहा है गरुड़। नहीं कालिया भैया, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। आज तूने शांत जल में कंकड़ मारकर फिर हलचल उत्पन्न की है गरुड़। मां सदैव तेरे ही कारण हम सबके लिए चिंतित रहती है, और नहीं। आज मैं मां की इस चिंता के कारण को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। इतना क्रोध, इतनी शक्ति,
पता ही मेरी अंतरात्मा मुझे ये संदेश तो नहीं देना चाहती थी कि करुण ही मेरे पुत्रों के लिए संकट का कारण बनेगा। नहीं, मुझे मेरे पुत्रों के लिए अब अमृत लाना ही होगा, भले ही मुझे करुण को और विंता को अपनी दास्ता से मुक्ति का वचन ही क्यों ना देना पड़े।